गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिमीज फैमिली। आज आपके घर में सेकंड डे है और हम सब मिलकर देखिए क्या कर रहे हैं। एक्चुअली हम सब मिलकर नहीं, दोनों आपा मिलकर क्या कर रही है। देखिए आपा पूरी बेल रही है और छोटी आपा फ्राई कर रही है। आज सुबह का नाश्ता है आलू का सब्जी के साथ पूरी एंड कुछ ग्रेवी है बचा हुआ, तो वो ग्रेवी से भी सारा नाश्ता कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूरी फ्राई हो रहा है और काफ़ी टाइम लगने वाला है। आज पूरी थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा है क्योंकि घर के मेंबर्स भी तो बहुत सारे हैं। और आज हम लोग का प्लान है, हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद ही निकल जाएंगे, बट कभी भी ऐसा प्लान सक्सेस नहीं होता है क्योंकि बातों बातों में कब टाइम कैसे पास हो जाता है पता ही नहीं चलता। और यहाँ पर दस्तरखान लग गया और यहाँ पर देखिए बहुत सारा पूरी और अभी आलू का सब्जी थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड हो रहा है। और ये वाला जो कटोरा देख रहे हैं हम लोग काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज करिए। घर पर बहुत सारा था, मतलब आपा के घर पर, तो बड़ी आपा सोची कि इसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें। और आप यकीन नहीं मानिएगा, दो दिन में सारा ये जो कटोरा है फोम टाइप कटोरा है पूरा कंप्लीट हो गया है, मतलब इसको यूटिलाइज बहुत अच्छी तरह से कर लिया। अब देखिए सब नाश्ता करने बैठ गए थे और नाश्ता करने के बाद एक एक करके हम लोग फ्रेश होंगे, फिर नमाज भी पढ़ना है एंड बहुत सारा काम है। यहाँ पर देखिए टेरेस में आ गए थे, अभी आफ्टरनून टाइम है और इस टाइम में बारिश आने का चांसेस है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके बारिश होना स्टार्ट ही हो गया है। तो आपा डर से सारा देखिए जो क्लोथ से डाली हुई थी सुखाने के लिए सारा एक्चुअली उठा रही है। वेदर तो बिल्कुल भी सही नहीं है और रेनी डे में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही रहता है, बट अभी जो अदर स्टेट्स का हाल बहुत ज़्यादा ही बुरा है, उस हिसाब से वेस्ट बंगाल का फिर भी बहुत ठीक है हालत। हाँ बात बात पे बारिश हो रही है बट फिर भी ठीक है। अभी शायद आने वाले दो तीन दिन तक बारिश होने का चांसेस है और सुने अदर स्टेट्स की तरह कोलकाता में भी वाटर लॉगिंग हो सकता है। अभी जैसा वेदर हमेशा चेंजेस होता रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होता है और कुछ कुछ सिचुएशंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं, पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता था। खैर छोड़िए, लंच का टाइम हो गया था, अब हम लोग सब लंच करने बैठेंगे, बट पहले बच्चों के लिए निकाल लेना है। बच्चे मतलब मेरे बच्चे बिल्कुल भी उन लोग तीखा नहीं खा पाते, इसीलिए बच्चों के लिए थोड़ा सा वाइट राइस जो है निकाल लेते। उसके बाद आज हम लोग लंच करने से पहले नमाज भी पढ़ लेते, मतलब हम लोग का सारा काम कंप्लीट हो गया था, उसके बाद हम लोग लंच करने बैठे। एक्चुअली लंच हम लोग थोड़ा सा लेट ही से कर रहे थे क्योंकि बिल्कुल भी हम लोग भूखे नहीं थे, हम लोग बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग में बिजी थे, सब एक साथ थे, जैसे मेरी दो सिस्टर, फिर मेरी अम्मी, फिर सबको ये बच्चे भी थे, तो काफ़ी हम लोग इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए बाबू लोग के लिए बिरयानी निकालते वक्त आलू काफ़ी यम्मी लग रहा था, ये वाला तो निकाल लिए और बहुत ज़्यादा ही गर्म है, देख रहे हैं आप, धुआं भी देख सकते हैं। तो बच्चों को खिलाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, खास करके ईजान को। जिदान फिर भी थोड़ा बहुत खा लेता है बट वो कम क्वांटिटीज़ में ही खाता है, बट जितना हो पाता है वो बदमाशी नहीं करता है, लेकिन ईजान काफ़ी बदमाशी करता है। जिदान जब छोटा था, मतलब उसको लेकर के 2 घंटा बैठना पड़ता था उसका खाना कंप्लीट करवाने में, बट फिर भी कंप्लीट नहीं खा पाता था, बहुत ज़्यादा परेशान करता था। दोनों बच्चों का आदत बहुत ज़्यादा ही गंदा है, मतलब इन लोग खाने पीने में पीछे हैं। हाँ आप बाहर का कोई भी चीज़ दो जो हर बच्चों का आदत होता है, उन लोग बहुत ज़्यादा ही शौक से खाएंगे क्योंकि पेट भरने से उन लोगों को कोई मतलब नहीं रहता है और कौन सा ज़्यादा अच्छा होता है और न्यूट्रिशन से भरा हुआ रहता है उन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहता। तो उसके बाद बच्चों को खिलाने के बाद फिर हम लोग भी खाने बैठेंगे और जिदान आज डिमांड किया वो अपने से खाना खाएगा, बट बिल्कुल भी नहीं खा पाता है, कभी भी कोई भी टाइम वो कम्प्लीट नहीं खा पाता है, उसे जितना बन पाता है वो खाता है, बाकी कंप्लीट करवाने का ड्यूटी मेरा या जिदान के पापा कह रहा था। यहाँ पर वो हैंड वॉश कर रहा है, बहुत मुश्किल से वो हैंड वॉश कर रहा है, किस लिए वो हैंड वॉश कर रहा है, क्योंकि वो अपने से खाएगा और इधर दिखा रहा है मम्मा मेरा हैंड वॉश हो गया है अब अपने से खाना है, बट ईजान को तो कभी भी अपने से खाने के लिए दिया नहीं जाता, इसीलिए थोड़ा बहुत उसका मूड भी ऑफ हो जाता है। बहुत मुश्किल से लंच कम्प्लीट करने के बाद अब देखिए चाय का टाइम आ गया, अब सबको चाय पिलाना पड़ेगा, खास करके शाहिद भाई और
शाहजान के पापा को, मतलब ये दो ही इंसान है जिनको चाय बहुत ज्यादा ही पसंद है, और वहां पर बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे मतलब इफ़त, इकरा, रिधि सब मिल करके देखिए क्या कर रहे हैं। उन लोग वीडियो बना रहे हैं, उन लोग नीचे फ्लोर में मोबाइल रख करके वीडियो बना रहे, पता नहीं लोग क्या क्या वीडियो बनाते हैं कुछ समझ में नहीं आता, बट इन लोग सब एक साथ मिल करके यही सब काम करते रहते हैं। यहाँ पर कुछ गुआवाज है, देखिए सबको बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे दुल्हे को तो मीठा गुआवाज पसंद है, सिर्फ मेरे दुल्हे को नहीं, घर में सबको पसंद है, और ये मुझे पसंद है, और जिदान के पापा को भी पसंद है, और उनके लिए एक साइड करके रख दिए थे, बिकॉज मीठा गुआवा जो है जिदान के पापा बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते, तो उनके लिए देखिए ये गुआवाज अच्छी तरीके से प्रिपेयर किए, काफी अच्छा लग रहा था। जिदान के पापा इसमें सॉस ऐड करके खाते, उनको पता नहीं क्यों उतना ज्यादा पसंद आता है। यहाँ पर इजान को गुआवा चाहिए, बट इजान को हम लोग देने नहीं मांग रहे थे, तो वो बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, मतलब उसको चाहिए गुआवा। जिदान को बिल्कुल भी गुआवा नहीं पसंद है, जिदान गुआवा नहीं खाता है, इजान दो चार पीसेस खा लेता है। अब हम सबका जाने का टाइम हो गया था, अब एक एक करके हम लोग जाने लग गए थे, तो पहले दूल्हे भाई आपा निकल गए, उसके बाद हम लोग भी निकलने वाले, तो एक दूसरे को सलाम करते हुए हम लोग सबको विदा किए, तो यहाँ पर उन लोग निकल गई, फिर हम लोग भी ऑलमोस्ट रेडी हो गए। अब जिदान इजान को बोलना है बच्चे आप लोग शूज पहन लो, एंड उसके बाद ही हम लोग निकल जाएंगे। यहाँ पर जिदान एकदम रेडी हो गया है, और कल का एक्चुअली बारिश बहुत ज्यादा डेंजरस था, जिदान भी भींग गया था, इस रीजन से जिदान अपना प्रिकॉशन लेके रखा हुआ है, जैसे कैप पहन लिया, क्लोथ से अपने आप को कवर कर रहा है। यहाँ पर इजान का डिमांड देखिए, अपने पापा के गोदी में चढ़ कर ही वो नीचे उतरेगा। इजान को एक्चुअली नींद आ रहा है, इसीलिए उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इस रीजन से जरा बात पर ही वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो रहा था। फिर हम लोग फाइनली निकल गए, और घर जाने के बाद बहुत सारा काम रहता है, और आज मेरा मन हुआ रात में सबको रोटी देंगे, मतलब सबको ही रोटी खाएंगे, तो इसलिए घर जाने के बाद ही क्लोथ्स वॉश करने के लिए डाल दिए, एंड देन रोटी बनाने बैठे, बट बच्चे कहाँ देते रोटी बनाने के लिए, काफी परेशान करते रहते, तो बच्चे अपना टॉयज में से देखिए क्या क्या निकाल करके लेकर आ गए थे, काफी इन लोगों का बदमाशी चलता रहता है। इजान का डिमांड शुरू हो गया है, मतलब उसको डो चाहिए, तो इजान को बोले पहले रेडी होने दो, उसके बाद ही तुमको मिलेगा। बच्चों को टाइम पास के लिए बहुत कुछ मिल गया, अब बच्चे आराम से मुझे काम करने देंगे, और बच्चे बहुत सीरियसली देखिए अपना काम कंप्लीट करे। इवन आप यकीन नहीं मानिएगा, जिदान एक छोटा सा स्मॉल साइज रोटी एक्चुअली बनाया था, तो उसको सेकना ऑब्वियसली जरूरी था। अभी देखिए डिनर टाइम, जिदान डिनर करना स्टार्ट कर दिया है, और जिदान का देखिए बदमाशी मम्मा डिनर टाइम ना बेटा डिनर टाइम, अच्छा वो क्या बनाया दिखा रहा है मम्मा, इसको कम ऑन। तो आज का वीडियो ये पर एंड करते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलेंगे और एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय। इजान इजान बोलो अल्लाह हाफिज, अच्छा जिदान भी खा रहा है इसीलिए उसको नहीं बोलना है, बोलने के लिए अल्लाह हाफिज। जिदान हाथ से दिखा देगा अल्लाह हाफिज सिर्फ ओके अल्लाह हाफिज।